ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਕਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਆ ਜੀ ਖਬਰਦਾਰ ਵਿਦ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆ ਜੀ ਮੇਦੀ ਹਸਨ ਪੈਰੋਡੀ, ਮੇਦੀ ਬ੍ਰਦਰ ਕੰਟੈਕਟ CM ਪੰਜਾਬ। ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਖਬਰਦਾਰ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ, ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਇੰਨੀ ਚਿਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ जी। खबर है कि मेहदी बरादरान ने म्यूजिक एकेडमी कायम करने के लिए वजीर आला पंजाब से टाइम मांग लिया। वाह वाह वाह, पहाड़ी जी जी भाई, क्योंकि पहाड़ी बकरा है। इजाजत है जी जनाब। तेरे पीछे पीछे ऐसा प्यार निभाना, दिल लेन वाली है, है दिल लेन वाली है। दिल तेरे नाम लाया, तेनू अपना बनाया, तेरे दम नाल सोनी ख्यालानू सजाया, कीती गल नू वेहोना, असा प्यार निभाना, दिल लेन वाली है, दिल लेन वाली। कमाल करने इतने की रचाओ होया पे, और तेनों अपना डांस पे होए, इसे डांसर दिया बच्चे। आफताब साहब जी, ये इतवार बाजार में कुछ ज्यादा नहीं महंगाई होगी? अच्छा, आप दोनों रहते कहाँ हैं? मैं तो घर में रहता हूँ भाई, मुमन प्रखत पे रहता है। भाई को बचपन से खुदकुशी का शौक था। एक दफा भाई ट्रेन के नीचे आ गया। ट्रेन के नीचे आ गया जी? खड़ी ट्रेन के नीचे। भाई मेरा बड़ा लकी है, इसको चीजों के नीचे आने का बड़ा शौक है। एक दफा खोता रेडी से थले आ गया, खोते ने वेख के ओ चीखा मारी। भाई के कुछ कुमाश्ते गलत भी हैं, जुआ बड़े शौक शौक से खेलता है। एक दफा भाई अपने एक दोस्त के घर जुआ खेल रहा था, जुआ बड़े अरूज पे था। अच्छा, सामने वाले ने कहा भाई नु बेगम सोच। क्या कहा उसे? बेगम सोच। अच्छा, भाई ने ओदी बेगम चौक के सोट थी। उस बेचारी ने सिर फाड़ दिया। उस दोस्त ने फिर भाई ने 6 महीने बनी रखे। भाई को गौर से अगर आप देखें तो भाई की एक टांग छोटी है, एक बाजू भी छोटा है, एक कान भी छोटा है, एक आंख भी छोटी है, भाई का एक गुर्दा भी छोटा है, एक फिफड़ा भी छोटा है। और चुप क्यों हो गए? बाकी दी चीजें भी दस। भाई बचपन से ही खेलों का बड़ा शौकीन रहा है। भाई चिड़ी छिक्का बहुत अच्छा खेलता है। अच्छा, बतौर चिड़ी। आफताब साहब, अभी ये पड़ोसी मुल्क जो भारत है, वहाँ के एक बहुत बड़े कलाकार कॉमेडियन ये जॉनी लीवर, उसने हमें दावत दी है बड़ी मोहब्बत से, फोन करता है, हमारा मजा है बहुत बड़ा। हाँ जी, मैंने देखा उनका मैसेज जो है आपके इस सेगमेंट के लिए बड़ा वायरल हुआ। जॉनी लीवर भाई? हाँ जी, देखिए मैंने, बड़ा उन्होंने कदीम समोसे का मुंह है। यार तुम्हारे शो की इतनी तारीफ की है उन्होंने। तो भाई भी तो उनकी तारीफ की है। उनके यहाँ दावत है, उन्होंने हमें बुलवाया है, उन्होंने भाई को रंग का ठेका दिया है। नहीं तो ये पेंटर है बहुत अच्छा। रंग असल में मैं करता हूँ। तो ये भाई ऐसे बुरश जा रहा है। भाई को घर से भागने की बहुत आदत रही है। भाई घर से बाहर चला जाता था 6-6 महीने, कभी हॉलैंड,
कभी इटली कभी सांगले। एक बारी भाई अमिताभ बच्चन साहब से थले आ गया सी। वो लम्बे एडे ने उन्होंने नजर ही नहीं आया, वो समझे टेडी बकरी बने। भाई दूर से टेडी बकरी भी लगी, वैसे भाई नजदीक से भी यही लगे। भाई सुबह सुबह उठ के कहा भी खा लेते। भाई ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। भाई का 5-6 दफा बाईपास हो चुका है, 1 दफा अंडरपास भी हो चुका है। अंडरपास क्यों हुआ? शहबाज शरीफ ने आधे करता। अच्छा, आपने जो उनसे टाइम लिया, फिर क्या मुलाकात हुई आपकी? असल में हम मियां साहब से मिलके एक अकेडमी बनाना चाहते हैं। मियां साहब से मिलके? वो इसलिए कि मेन सिंगर हमारे मियां साहब हैं। वजारत तो आनी जानी शय है, मुस्तकबिल में यही काम आएगा। भाई बचपन में बड़ा प्यारा होता था। अच्छा, बचपन में इसको एक दफा चील उठा के ले गई। क्या उठा के ले गई? चील। भाई थोड़ा ही ना बोला भी। असल में चील जब भाई को उठा के ले गई, बहुत चीखे मारी। यकीनन चील ने। तो मैंने चील से कहा, चीखा मारी जा रही है, छड़ ही दे। वो मैं तो छड़ देता हूँ, नहीं मैंने छड़ देता। भाई को एक दफा बदमाश उठा के ले गया, उसकी बीवी की शक्ल भाई से मिलती। फिर एक दफा भाई बदमाश को उठा के ले गया, वो क्यों? इसकी बीवी की शक्ल उससे मिलती। भाई को असल में मीठा बहुत पसंद है। खाने के बाद मीठा खाया जाए, बहुत अच्छा होता है। मीठा खाने से पहले खाना चाहिए। भाई बड़ा मनहूस है, खाने से पहले भी खाता है और खाने के बाद, बल्कि कई दफा खाने के दौरान भी खाता है। यार बात सुनने को, गाना सुनाए प्लीज। जी जरा मिला के आदाब गुलामी है अभी रफ से जंजीर पहन कर भी किया जाता है तू के नावाक पे आदाब गुलामी है अभी। वाह वाह, ये पासपोर्ट बनवाना था तो कह रहे हैं कि अर्जेंट की फीस बढ़ा दी है। यार ये भाई थोड़ा सा पागल तो नहीं? थोड़ा नहीं, पूरा पागल है। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई बड़ा इवेंट हो, वो भाई के बगैर होता नहीं। ऑस्कर अवार्ड शो तो आपने देखा होगा। जी जी। क्या खूबसूरत जगह है वहाँ, जो रेड कारपेट होता है वो भाई बिछाता है। और उसके ऊपर लेटनियां भी लेता है। ऑस्कर से पहले भाई का 15 मिनट का तमाशा भी होता है। जी जरा बजाइएगा। 15 मिनट का तमाशा। ये पाउडर लगाया हुआ है भाई, तबले का पाउडर खुद भी लगा लेता है। भाई समझता है कि उसका सर एक छोटा सा धामा भी है। एक दफा गाने के दौरान धामा फट गया, फिर भाई को उसकी जगह एडजस्ट किया। भाई पे जन्नत का साया भी है। राती 2 बजे दोबारा दे दे, हाथ पैर भिंगे हो जाते हैं। फिर असी भाई नू बाहर ले जाके मांगने। अमूमन असी जिन नू 2:30 बजे दा टाइम। एक दिन जिन लेट हो गया, उस दिन असी फाके सोते हैं। भाई ने फिर जिन नू बढ़िया गाना कढ़िया। उन्हें कहा लाने थे तेरे चमड़न थे। असल में भाई को जब जिन चमड़ जाए तो कैफियत अजीब हो जाती है। इसकी जिन की ज्यादातर भाई जिन को चमड़ता है। अच्छा। तब भाई चमड़ता है तो जिन दे हाथ पैर भिंगे हो जाते। फिर ऐसी जिन नु बखा के मांगने। सब आपके गले में दर्द कैसे आया? वो असल में भाई को एक दफा फांसी की सजा हो गई थी। उस वक्त से भाई के गले में दर्द है। अगर सजा हुई थी तो बच कैसे गया? वही तो, जिन्हें फांसी देनी थी उन्हें भाई देखे हो तो हासा नहीं। उन्हें रसा चढ़ के भाई ने 4-5 जुगता की। उन्हें भाई ने पहली जुगत की थी, बड़ा तेरा गिली बतखर का मुंह। वो असल चटाड़ी थी। एक जुगत उन्हें की थी, मैं बहुत हंसया। उन्हें कहा भाई ने बड़ा तेरा चुके सुचर का मुंह। चुका सुच क्या होता? बड़ा ऐसे करके नहीं चुके। 2 जुगते और थे वो मैं बता नहीं सकता।
अच्छा ये फजूल सी जो बात कर रहे हो, फांसी की सजा हुई का? युगांडा में। क्यों, क्या किया, क्या था इसने? इन्हें ईदी अमीन दी दादी नु छेड़ता सी। भाई ड्राई फ्रूट का बड़ा मद्दा है। कौन सा ड्राई फ्रूट इसका फेवरेट? मसलन केले, सेब, माल्टे। बेवकूफ थे, ये ड्राई फ्रूट कैसे हो गया? जब ये 6 महीने पड़ा रहता है तो ये ड्राई फ्रूट। देखें, इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना चाहिए। मुझे सरंगी का बड़ा शौक है। सीखने का नहीं, चुराने का। मैं भाई को बड़ी दफा कहता हूँ कि कोई इंस्ट्रूमेंट सीख ले। इसे अलगोजा सिखाओ। भाई ने एक दफा चलगोजा सीखा। भाई शहद का बड़ा रसिया है। क्या बात है, दरख्त पे चढ़ के सारा शहद चूस जाता है। ये बंदा है कि ग्रिजली बियर है भाई, छोटी सी ग्रिजली बियर भी है। कल भाई ने एक छत्ता चूस लिया। अच्छा। वो बाद पता चलिया पूंडा दी खखर सी। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चुके सोच वर्गा मैंने समझ नहीं लगी मतलब होगा। ਮੁੜ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ ਦਾ ਕੌਣ ਦਾ ਹਿੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੜਦਾ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮੈਂ ਜੁਗਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਜੁਗਤ ਕਿਉਂ ਨੀ ਹੋਈ ਆਈ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਜੀਬ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੁਗਨੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਪੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कपड़े चेहरे जिहड़ा मतलब चेहरा बनाउंदे आ उत्थे हैना उस टाइम दे उत्ते जिहो जे करैक्टर हुंदा उस हिसाब दे नाल उहनां ने अपने जिहड़ा चेहरा अपने एक्सप्रेशन जिहड़े हैना उह वी इहनां ने अपने उस उसे हिसाब दे कपड़े फिर आवाज़ बोलण दा तरीका आवाज़ जिहड़ी उहनां दी उह मतलब बिलकुल कई वारी तकरीबन 10-15 मिनट दी आपां वीडियो बनाउणी होवे ना ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੀਟੇਕ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕੋਈ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਉਹਦੀ ਡਾਇਲੋਗ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮਤਲਬ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਖੰਘ ਪਿਆ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਵੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਾਈਨਲ ਹਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਲਾਈ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਤੋਂ ਪਰ ਇਸ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਹਫਤੇ ਕਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸੋ ਗਾਈਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।